क्या जगह चिन्है छे लाल बाबू तो गेल है छे कि नहीं हां चिन्ही आ क्या बार आबे छे ओ दुबेर से में रहबे कोई खतरनाक सी हो जाए तो आबे कोई नाम से ही यही ना कत जाए छे नाव से मतलब दरभंगा जाए छे दरभंगा जाए नमस्कार बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दीजिए मुस्तफापुर से आगे ये गोरियारी मुस्तफापुर है ये मुस्तफापुर है गोरियारी पंचायत का। और ये देखिए ये इस पर हम आपको खबर दिखा रहे थे बाढ़ के समय में ये पूरा जलमग्न था ये पूरा दोनों तरफ और ये सब घर डूबे हुए थे उस समय दिखाई नहीं दे रहे थे। ये है गोरियारी पंचायत का मुस्तफापुर और यहाँ हम देखेंगे जो लोग अब राहत में हैं थोड़ा सा बाढ़ के पानी से राहत में हैं तो यहाँ काफ़ी महिलाएं हैं। ये बहरियाल रहा था हाँ तो बहरियाल नहीं चले पूरा कहाँ कहाँ तक पानी रहा पानी आधा पुल तक चढ़ल चले इतने पुल रोड पर पानी चले यहाँ से घर में घर तक पानी चले इतने महीना रहले पानी तीन महीना डूबल पूरे तीन महीना रहले यहाँ सब हम सब पुला पर पन्नी टैंक के रोड पर देखियो कते रोड पर पन्नी टैंक के अच्छा अच्छा तो ओइ समय किछ अहाँ के राहत भेटल किछ ना एम के कुछ नहीं भेटल है पन्नी त नहीं भेटल कुछ नहीं एम के रौदे में भूए सब रह छले माल जाल सब बेकार एक एक को बाजू हां रौदे में माल जाल सब रहले कनी पन्नी टैंक के रहले ओ हवा बिहरल त उधिए गेल खाना पीना के सामान खाना पीना के सामान कुछ नहीं भेटल है ना कुछ नहीं बेर भेटल है ना अच्छा अहाँ के शौचालय वाला पैसा भेटल है ना हमरा से कुछ नहीं शौचालय वाला पैसा नहीं 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 है सर नहीं नहीं भेटा। तो अब ये बताइए कि अब सब एक बाबू अब आ जाइए आप बहुत पढ़े अच्छे लगते हैं यहाँ पर क्या क्या कौन वार्ड है ये 15-16 तो इस वार्ड में क्या क्या दिक्कत है आपको सही से बताइए क्या क्या हुआ है दिक्कत वो सब के बारे दिक्कत मैंने पानी नल आ रहा आपके यहाँ नहीं पानी अभी यहाँ के घर में पानी हमरा के घर में तो बोलता क्या नहीं बोलोगे ना सही बात दे दिया पानी नहीं आ रहा है नल आ रहा है हाँ नल दिया है नाला उला नहीं दिया सबके कल उल का दिक्कत उक्कत होता है। अच्छा ये बताइए जो घर में पानी अब इतने के पानी रहा हमारे घर दहल रहा है हजार ना पानी सब भीज जाए यहाँ का। अच्छा ये 6,000 रुपया बाढ़ वाला भेटल हाँ वो भेटल 6,000 हाँ वो भेटल हमारा घर में दू गो के लिए भेटल दो आदमी के मिलल है दो आदमी राशन कार्ड है छा सबके राशन कार्ड ना हमारा घर में केकरो ना सिंगल हमारा है और राशन कार्ड नहीं है नहीं। अच्छा तो ये बता दें ये महिलाएं हैं बाढ़ ग्रस्त ये क्षेत्र है लग जाता है और इसके बाद भी यहाँ विकास नहीं हुआ क्या लगता है चेक करे विकास के दुखाई है क्या तो नेता साहब ये की कही है की कहे आप जाएंगे जीत के तो बना देंगे जल जा है जीत के बस कोई घूर के ताके नहीं मुखिया जी के देखने नरेश मुखिया आए कौन मुखिया के मुखिया जी के चिन्ह छे लाल बाबू तो गेल है छे कि नहीं हाँ चिन्ही क्या बार आबे छे वो दुबेर से में रहे कोई खतरनाक सी हो जाए तो आवे कोई बजावे जाए तो कोई मौका नहीं है जाते हैं फलना ठन जाते हैं बोलो अच्छा तो कोई खतरनाक सी होकर कोई एक्सीडेंट हो गए वो अपना काम में रहे लागल लोग बीच बीच में मरत रहे उनकी नाम में मुखिया जी जरूरत पड़ला पर आते हैं करे सो बताइए जिसका जिसके घर में पानी घुसता है उसका उसका पन्नी नहीं देता है जो उसको साथे साथ रहता है उसको आर के पन्नी देता है। अच्छा ये बताए अच्छा अतः कोई बीमार पड़ जाए छे अतः कोई बीमार पड़ जाए छे घर तो कना जाए छे डॉक्टर तो कई कना जाए छे नाव से नाव से हां नाव से ही यही ना कत जाए छे नाव से मतलब दरभंगा जाए छे दरभंगा जाए छे हां ओइ समय में कोई देखे ला आबे कि नहीं कोई कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई राशन कार्ड के जकरा घर में 5 गो जकरा 1 गो है राशन कार्ड के करो हइए नहीं है। अच्छा शौचालय के पैसा मिल गेले सबके कते आदमी के नहीं मिलल छे गांव में वार्ड में कितने आदमी ने मिल छे आइए आइए थोड़ा सा लगते बताएंगे आई पंचायत की छे अहाँ के राशन कार्ड भेट गेल नहीं 12,000 रुपया भेटल नहीं शौचालय वाला कुछ नहीं क्या नहीं भेटल पता नहीं किया नहीं मिले है जा लोग के नहीं भेटे थे आई पंचायत ये वार्ड कौन वार्ड छे ये 16 नंबर है 15 नंबर तो आई वार्ड में कितने आदमी के भेटले मालूम है पैसा भेटबो के लिए कि नहीं ले से तो नहीं कहो अच्छा फसलों डूबल अहाँ सबके हाँ फसल तो थोड़ा बहुत डूबले ही ओकर पैसा डूबले छले कि ओकर पैसा भेटल नहीं वो सब कुछ नहीं मिले है तो हम बता दें
ये मुस्तफापुर है, यहाँ के एक बार दिखाइए यहाँ के कितने लोग जब हम पहुँचे हैं तो अपनी समस्या बता रहे हैं कि इन लोगों को लाभ नहीं मिला, फसल क्षति नहीं मिला, बाढ़ के समय इनके घर में पानी घुस गया था, इसके अलावा शौचालय का जो लाभ है वो बहुत लोगों को नहीं मिला, पन्नी जो टांग करके उस समय रहा करते थे वो भी सबको नहीं मिला। इस मुस्तफापुर में लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। मुखिया में तो खैर के देखिए सब अपना अपना लगा रखा है कि हम जीते, खड़ा तो बहुत है। अब रहा कि आप तो वो तो राजनीतिक वाला राजनीतिक जाने, हम लोग साधारण आदमी हैं, साधारण का अपना रोज 100-200 कमाते हैं, रोज खाते हैं। ये ट्रेलिंग हाउस कोई पक्का खोजता है, हम कच्चा में है क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है लगाने का। तो आप लोगों को राशन वगैरह सब मिला है? राशन जो है उसमें भी घोटालेबाजी है, एक महीना के देता है, एक महीना का गायब रहता है, ऐसा है। अब बाढ़ राहत वाले में पैसा मिला है? बाढ़ में कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला, आधा घर मिला आधा को नहीं मिला। सड़क नाला की क्या व्यवस्था? सड़क नाला के भी वैसा ही है, देखिए रहे अभी, ये तो आप देख रहे हैं नीचे उतरिएगा सब कच्चे मिलेगा। तो क्या इस क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है मगर रुपया में चार आना। कौन सा जगह हुआ ये? ये हुआ मुस्तफापुर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ताहिर। हमरा राशन नहीं दे है। अच्छा, 2 साल से राशन आ नयन तो अंत्योदय राशन है, ऐसे नहीं दे है, न पन्नी दे है, दहर में खाले नहीं दे है, गरीब आदमी खावे और मरे छी। वोट मांगे लाए होबे है? अच्छा, देबे न शौचालय वाला पैसा भेटल है के? नहीं, हमरा इंदिरा आवास न शौचालय, एगो कल ले पानी पिए ला मरे छी, तो कोई नि जा छी त बरनी ल के मारे है, कोई नि जा छी त बरनी ल के मारे है। पानी नहीं मिलता है? क्या बात, जो अंजल लगा हुआ है उसमें पानी नहीं मिलता, कभी नहीं, एक रोज नहीं पानी आया है। अंजल का सोच टंकी लगाया हुआ है सोच में, और पानी उन्हीं नहीं आता है, न राशन मिलता है 2 साल से। डीलर लग जाते राशन लाने के लिए तो डीलर जो मार के भगाता है। कूपन हम रखे हुए हैं जो पहले मिलता था, नहीं मार के भगाता है। अच्छा, कोरोना काल में अनाज मिलता था? नहीं, कुछ भी नहीं मिला, 2 साल कुछ नहीं मिला, न राशन उशन कुछ नहीं मिला है। हमरा कोई ने पूछ ली सारे समाज के, हमरा कुछ नहीं दे आ बुआ, वीडियो बना लका फेसबुक पर छोड़ दे लका, कनी बदनाम करो ओकरा पास, त हम घूमे ला जाई छिए। तो हम बता दें कि ये सवाल मुखिया से भी इस बार पूछना आवश्यक होगा, क्योंकि यहाँ के जो गरीब लोग हैं और चुनाव के समय में जो बड़े बड़े वादे करते हैं, अब सवाल ये है कि क्या ये पंचायत इस बार भी 5 साल की पिछले 5 साल की तरह आगे भी पीछा रहेगा, या यहाँ के जो गरीब जनता उसके लिए काम हो क्या जाएगा? लोकतंत्र सिर्फ ना